राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोगों ने भारतीय रेलवे के अंदर एक पैटर्न को कई बार नोटिस करा है कि भारतीय रेलवे बहुत सारी जो पैसेंजर टाइप ट्रेनें होती हैं उनके अंदर से जो कन्वेंशनल लोको एंड कोचेस वाला जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हटा करके उनको मेमो टाइप ट्रेन से जो है रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि हमने देखा, हमारी जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो एक इंजन और एक नॉर्मल जो आपके ICF कोचेज होते हैं उनके साथ जो है हॉल हो रही होती हैं। ऐसी बहुत सारी जगहों पर पैसेंजर चलती हैं, उनको चेंज करा जा रहा है मेमो ट्रेन के साथ में। दोस्तों, ऐसा क्यों किया जा रहा है, आज की वीडियो में इस चीज़ के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे ना कई सारे कारण हैं और इसमें विन विन सिचुएशन बनती है, मतलब कि इसमें रेलवे के लिए भी बेनिफिट है और पैसेंजर्स के लिए भी बेनिफिट है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में अगर हम पैसेंजर ट्रेन्स को देखें, जो भी कोचेज और लोकोमोटिव वाले एक सेगमेंट के अंदर चल रही हैं उनमें मोस्टली ICF कोचेज यूज़ हो रहे हैं और आज के ज़माने में ICF कोचेज अपनी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर चुके हैं। तो डेली ट्रेन्स के अंदर जो सुबह शाम इतना ज़्यादा लोड लेके चल रही हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में हम ये जानते हैं कि भीड़ जो है बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसी ट्रेनों के अंदर ICF कोचेज को लगाना एक सेफ्टी कंसर्न भी बहुत बड़ा बन सकता है। तो एक तो इसलिए भी रेलवे जो है उनको हटा रहा है, और दूसरा दोस्तों, जितनी भी हमारी पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं इन सबको ना हर स्टेशन पर रुकना होता है, तो हर स्टेशन पर रुकने चढ़ने में ये जो मेमो टाइप वाली ट्रेनें हैं ये ज़्यादा बेटर काम कर पाती हैं, क्योंकि दोस्तों इनका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा होता है एंड ब्रेकिंग भी अच्छी होती है। इसमें दोस्तों ये मेमो टाइप वाली ट्रेनें अच्छी रहती हैं, क्योंकि जो हमारी लोकोमोटिव हॉल्ट गाड़ियाँ होती हैं जो नॉर्मल ICF कोच और एक इंजन के साथ में चल रही है, उनके साथ क्या होता है दोस्तों कि वो एक स्टेशन पर रुकी, उसके बाद जब तक वो एक स्पीड पकड़ेगी, मतलब पिकअप अच्छा सा बना पाएगी, एक तेज स्पीड पर चलना शुरू करेगी, इतनी देर में ही वो एक अगले स्टेशन को अप्रोच कर चुकी होगी और उसको रुकना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है। दूसरा है दोस्तों, एक और कारण क्या है कि ये जो भी पैसेंजर गाड़ियां हैं जिनमें भी इंजन लग के चल रहा है, लोकोमोटिव लग के चल रहा है दोस्तों, ये कोई ना कोई लोकोमोटिव तो ऑक्यूपाई करती हैं। देखिए, आज के ज़माने में WAP-7, WAP-5, WAP-4 इन्हीं लोकोमोटिव के साथ में जो है ट्रेनें चल रही हैं, जिनके कारण होता क्या है कि जो मेल एक्सप्रेस राजधानी टाइप गाड़ियां आते हैं उनके लिए लोकोमोटिव की शॉर्टेज जो है पड़ती है। तो ये ट्रेनें लोकोमोटिव ऑक्यूपाई करती हैं, इस कारण भी जो है इनको मेमो टाइप के रेक से जो है रिप्लेस किया जा रहा है, ताकि वहाँ से लोकोमोटिव भी फ्री हो सके और वो लोकोमोटिव यूज़ हो सके और ट्रेनों को सर्विस देने में। दूसरा दोस्तों, वो जो कोचेज़ हैं, एक तो उन कोचेज़ की लाइफ ख़त्म हो चुकी है इसलिए उन कोचेज़ को हटाया जा रहा है, जैसा हमने पहले डिस्कस करा। दूसरा दोस्तों, यदि लाइफ बची हुई भी है तो रेलवेज़ अब बढ़ती पॉपुलेशन के साथ में बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाता है, जैसे कि वो समर स्पेशल चला रहा है, फेस्टिवल स्पेशल चला रहा है, उन ट्रेनों के लिए जो रेक्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए भी ये कोचेज जो है काम आते हैं और ये कोचेज को वहाँ जो है शिफ्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये सारे कुछ कारण हैं जिनके कारण जो आपकी पैसेंजर ट्रेन की गाड़ियाँ उनको मेमो टाइप ट्रेनों में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम कुमार सैनिक ऑफ रेडियो, थैंक यू, थैंक्स वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।